नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। आप हैं बेगूसराय में, और बेगूसराय में बिहार के 7 विधायक आउट ऑफ 243, और उनमें से मेरे पास एक कच्चा चिट्ठा है जो कि बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा अंतर्गत यहां के विधायक माननीय राजकुमार सिंह का है। उन्होंने लोजपा के शीर्ष जीत हासिल की और जेडीयू में है अब, और उन्होंने एक साल का अपना कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत कर दिया प्रेस को बुलाकर, यहाँ के पूछने वालों को बुलाकर, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाकर। हम लोगों ने अब तक किसी का नहीं देखा या नहीं देख पाए, या हो सकता है कि ऐसे कच्चा चिट्ठा बनाकर बेगूसराय के अन्य विधायक भी रखे हुए हो। मुख्य रूप से कहने की बात यह है कि इनमें जो दिया हुआ मुद्दा है वो सब के सब वो मुद्दे हैं जिसके लिए आप प्रस्तावित करते हैं और विधायक को चुनते हैं। ये कह रहे हैं कि किसानों की समस्या का निराकरण करने तो हमने प्रयास किया, बाढ़ सहायता कार्य किया, आपने देखा बाढ़ सहायता का कार्य, बाढ़ बचाव के प्रयास किया, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का भी इन्होंने बंद किया है। और इसके आगे मैं बता दूं आपको, जन वितरण प्रणाली राशन कार्ड, जिसमें कह रहे हैं कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली के सुदृढ़ बनाने एवं जनता तक सरकार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले राशन पहुंचाने हेतु उचित मूल्य विक्रेता के साथ बैठक तथा लगभग 1300 राशन कार्ड का निर्माण एवं वितरण। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर इन्होंने काम किया, जनहित के अन्य कार्यों का काम किया, बेगूसराय प्रमंडल बनाने का दर्जा हेतु भी इन्होंने आगे प्रस्तावित किया है। इनके इस प्रस्तावित जो इनका दिया हुआ ब्यौरा है उसके अंदर कहा गया है कि बेगूसराय को पर्यटन के क्षेत्र में, जी मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय एक ऐसा जगह है जहां पर आप कांवर झील के माध्यम से गूगल का जो रामसर साइट है वहां तक पहुंच चुके हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि अब हम उस पर्यटन स्थल को विलुप्त होते देख रहे हैं और उसके वजह से पूरे बेगूसराय के व्यथित हैं। लेकिन इनका कहना है कि बेगूसराय पर्यटन क्षेत्र में सिमरिया से कांवर झील तक पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की मांग सदन के माध्यम से बिहार सरकार से की गई है। यदि ये बन जाता है तो आप सिमरिया उतरते ही खुद को महसूस करेंगे। आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई मैं बेगूसराय में हूं, जरा मुस्कुरा लीजिए। जहां से ग्रीन कॉरिडोर होगा और वहां से लेकर कांवर झील तक आप जाएंगे। वैसे वर्तमान स्थिति में कांवर झील का दिखा दूं तो आपको रोना आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने अयोध्या बारी आयुर्वेदिक राजकीय अस्पताल सूजा एवं नए अस्पताल विद्यार्थियों के आवासीय भवन निर्माण हेतु सरकार से 250 करोड़ रुपए की मांग की है। स्वीकृति जब सरकार में है तो हमें भरोसा रखना पड़ेगा। उद्योग विभाग के अंदर इन्होंने लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग माननीय मंत्री उद्योग विभाग से की है। युवाओं के रोजगार हेतु सार्थक प्रयास किए हैं, जिसके तहत ये कह रहे हैं कि 300 युवाओं को इन्होंने रिफाइनरी में उपलब्ध करवाए हैं रोजगार। जी आगे आप देख लीजिए, इसमें है सेवानिवृत्त सैनिकों की सुविधा के संबंध में, उसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि जब इनके पास जाया गया इन्होंने अपने स्तर से प्रयास जरूर किया, जिस प्रयास के लिए यहाँ के सेवानिवृत्त सैनिक वर्षों से प्रयासरत थे, लेकिन इनसे बन पाया उतना कार्य इन्होंने किया है। जिला सोल्जर बोर्ड जो कि मुंगेर में है उसको लेन लाने के लिए भी इन्होंने पत्र लिखा है, और यहाँ पर जो आंशिक अंशदायी जो स्वास्थ्य केंद्र होता है उसको लाने के लिए भी इन्होंने पूरा प्रयास किया है। आगे बताते हैं कि जो हम जनता संवाद है वो ज्यादा से ज्यादा इनके केडियम होटल पर हुआ करता है, जो कि मटिहानी विधानसभा से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन उसके लिए भी इन्होंने अपने ही क्षेत्र में मुख्यालय के सामने और कार्यालय बगडोब में भी क्षेत्रीय कार्यालय का स्थापना किया है, तथा शनिवार को मटिहानी के प्रति बगडोब के जनता के दरबार में उपस्थिति रहती है। सड़क ना निर्माण का वास्तव जो विकास का पथ दिखता है वो हमारे रोड के ऊपर दिखता है, वही विकास का मुख्य पथ भी है। उसके अनुसार इन्होंने जो लिखा है आप कह सकते हैं कि इसमें 35 ऐसे सड़क हैं जिनमें ये कह रहे हैं कि इन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, और कुछ प्रस्तावित सड़क है जिनका कार्य चल रहा है। उसके बाद प्रस्तावित DPR हेतु भेजे गए सड़क जो कि 10 हैं, जो कि PW रोड मटिहानी से गोदरगामा भाया मनियप्पा पथ, PW रोड से खोरमपुर, मीनापुर चौराहा से कवाकोल तक, T1 से बखड्डा तक, T1 से हरमनपुर तक, मस्जिद चौक गोदरगामा से कोरिया भरवार पथ तक, हांसपुर हाई स्कूल से सैदपुर चौक, मोहम्मदपुर चौक से भाया बगडोब होते हुए नयागांव हाई स्कूल, मोहम्मदपुर चौक से सफापुर हाई स्कूल तक, रेणु सैदपुर रैनी टोला मचियाही से बहादुर सिंह डेरा होते हुए। अब ये मैं इसलिए मुनासिब समझा इनको पहना कि जो भेजे गए DPR के माध्यम से अब छूटती है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे विधायक जो कह रहे हैं कि मैं जनता संवाद के लिए हर वो कार्य करूंगा और आप संवाद नहीं स्थापित कर पाते हैं तो आपकी खामियां देखी जाएगी। लेकिन जैसा भी हो ऐसे विधायक को समझना होगा जो अपने कार्यों का लेखा जोखा खुद प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, आप करें या ना करें यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है
कि तुलसी संसार में भांति भांति के लोग सबसे हसमिल बोलिए नदी नाव संजोग। यदि आपको लगता है कि वास्तव में इन कार्यों के ऊपर प्रशंसा करने की जरूरत है तो आप प्रशंसा कीजिए, जिसके तहत आपको आगे इनको प्रोत्साहन मिलेगा और इसी प्रकार से अगले साल का जो लेखा जोखा हो वो इतना ही नहीं, इन 10 पन्नों के अलावा मैं समझता हूं कि 30 पन्नों 40 पन्ने में हो। बहुत बहुत आभार आपका।